Welcome to my YouTube channel. I hope you all guys are enjoying your day very well. आज हम चलेंगे ढेंकानाल जो है भुवनेश्वर से नियर अबाउट 80 किलोमीटर है. यहाँ पर बहुत ही अच्छा अच्छा स्पॉट है और बहुत ही अच्छा अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है. चलो चल के एक्सप्लोर करते हैं क्या है नहीं क्या नहीं है और चलो चलते हैं. ओके अभी हम जा रहे हैं ढेंकानाल. ढेंकानाल में पहले हमारा डेस्टिनेशन होगा सप्तसजय जो एक बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है, एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है. तो चलते हैं वहाँ पे. लास्ट कपल ऑफ डेज भुवनेश्वर में इतना बारिश हो रहा है और इतना ज़्यादा ठंड है कि राइडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है. तो देखते हैं आज बारिश नहीं है तो अच्छा है, वरना रिटर्न करना पड़ेगा या कहीं पर रुकना पड़ेगा. सप्तसजय का जो टेम्पल है वो एक पहाड़ के ऊपर है. आपको इसी रोड पे जाना पड़ेगा. और कल और आज मॉर्निंग में थोड़ा बारिश हुआ है इसीलिए थोड़ा बाइक स्लिप भी कर रहा है. तो जब भी आप बाइक पे आ रहे हो तो थोड़ा बी केयरफुल. कोई भी डायरेक्ट बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी नहीं है तो आपको टैक्सी हायर करना पड़ेगा. ये जो प्लेस है ढेंकानाल बस स्टैंड एंड स्टेशन से नियर अबाउट 10 टू 12 किलोमीटर के अंदर ही है तो आप मैनेज कर सकते हो. बस स्टैंड एंड स्टेशन से आपको टैक्सी मिल जाएगा. आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है. जितना सुना था इस एरिया के बारे में उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है ये एरिया और बहुत ही पीस एरिया है ये. यहाँ ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स है, उसके जरिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा. आप लोगों को आवाज़ आ रहा होगा कि यहाँ पर एक झरना भी है. बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है ये. टेंपल के अंदर आप फोटो नहीं उठा सकते हो, नो फोटोग्राफी एरिया है. यहाँ राम जी और सीता माता की पूजा किया जाता है इस मंदिर में. हमने पंडित जी से बात किया तो पंडित जी का बोलना है कि यहाँ पर कुछ माइथोलॉजिकल ओरिजिन है. जो भगवान राम जी जब वनवास में थे तब सातों ऋषि के साथ यहाँ पर कुछ दिन रुके थे तो इसका नाम सप्तसजय हुआ था. तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है ये. यहाँ पर आप पिकनिक स्पॉट भी है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको. यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए बहुत दूर से भी लोग आते हैं. एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है ये उड़ीसा के. काफ़ी अच्छा एरिया था, बहुत ही अच्छा लगा ये प्लेस देखकर. और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अभी कपिलास टेम्पल है. कपिलास टेम्पल को जाने के लिए हमको ढेंकानाल टाउन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा. यहाँ पर एक बहुत ही फेमस शिव जी का टेम्पल है. हम अभी पहुंच चुके हैं कपिलास टेम्पल के पास और इस टेम्पल को चंद्रशेखर टेम्पल भी बोला जाता है. यहाँ पर बहुत हमेशा क्राउड रहता है. आप देख सकते हो बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पर शिव जी के दर्शन के लिए.
बहुत ही सुंदर एरिया है, आप लोग देख सकते हो सीनरी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये टेंपल एक पहाड़ी इलाका में है, तो अगर आप सीढ़ी के जरिए भी जा सकते हो, अगर आप सीढ़ी के जरिए नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ पर फोर व्हीलर का भी फैसिलिटी है, आप ये यूज करके भी जा सकते हो। ये कपिलास टेम्पल ढेंकानाल से 26 किलोमीटर है। अगर आप इस प्लेस को आना चाहते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके भी आ सकते हो, आपको बस स्टैंड से हमेशा बस मिल जाएगा। इस टेम्पल को आप दो तरीके से जा सकते हो। फर्स्ट वन इज बाय क्लाइंबिंग 1352 स्टेप्स एंड अनदर वन इज बाय ट्रैवलिंग ट्विस्टिंग वे, और इसको बाराबंकी वे भी बोलते हैं। मैं इसी रोड में जाता हूँ। ये एक पहाड़ी एरिया है, तो आपको जब भी आप बाइक पे आते हो या फोर व्हीलर पे आते हो तो आपको देख के बाइक चलानी पड़ेगी, तो बी केयरफुल। और यहाँ पर आपको सीनरी भी बहुत ही अच्छा अच्छा सीनरी मिलेगा यहाँ पर। मैंने अभी बाइक पार्क कर लिया है, अभी हम मंदिर के अंदर चलेंगे। और एक बात, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बंदर देखने के लिए मिलेंगे, तो जब भी आप कुछ प्रसाद लाते हो तो आपको देख के लाना पड़ेगा। और यहाँ पर टेंपल के अंदर फ़ोटो उठाना अलाउ नहीं है, और ये फंडा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टेंपल के अंदर क्यों अलाउ नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। बोला जा रहा है कि लोग यहाँ पर मन्नत ही मांगते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं यहाँ पर पूरी होती है। अंदर आपको बहुत ही अलग भगवान का भी टेंपल मिल जाएगा, जैसे पार्वती जी का भी टेंपल है यहाँ पे। और ये था हमारा कपिलास टेंपल का व्यू, और अभी हम चलते हैं। और एक बात, जब भी आप ढेंकानाल घूमने के लिए आते हो या किसी काम में आते हो तो कुछ टाइम निकल के ढेंकानाल का जो ब्रेकफास्ट है बड़ा, तो वो डेफिनेटली टेस्ट करेंगे, क्योंकि ढेंकानाल का जो बड़ा है टोटल उड़ीसा फेमस है। सच में मैं बहुत जगह ट्रैवल कर चुका हूँ और बहुत ही जगह का बड़ा खा चुका है, लेकिन ढेंकानाल जैसे बड़ा मैं आज तक टेस्ट नहीं किया था। बहुत ही टेस्टी था। और ढेंकानाल में सिर्फ दो ही प्लेस नहीं है, बहुत ही अच्छा अच्छा प्लेस है। मैं उन प्लेसेस को नहीं जा सका बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था, मैं बाइक भी नहीं चला सकता था, इसीलिए उसका एक अलग वीडियो बनाऊँगा ढेंकानाल पार्ट 2 बोल के, तो वहाँ उस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके,
Thank you everyone for watching this video. If you really enjoyed it, please like this video and share this video. And please, please, please subscribe my YouTube channel. So, ride safe, take care, bye bye.